मैं हूँ अभी मोटो जी बाइक के ट्रैक पे हूँ, रेडी हो रहा हूँ रेस के लिए। पानी के बीच में ना दरगाह है, देखो ये, और ऊपर से नीचे तक का फुल व्हाइट वाला सुल्तान रिज़ा टाइप दिख रहा हूँ। ओल्ड विंटेज साइट मुझे शूट करना। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली मस्जिद है। अपन में तो एक उदा मगर बिरयानी वाले के पास उदा नहीं है, तुम्हारे अंदर भी नहीं है। भोपाल में इसको बिरयानी बोलते हैं, मुंबई में इसको पुलाव बोलते हैं, मटन पुलाव। भोपाल की पहली मस्जिद है और बोलते हैं एशिया की सबसे छोटी मस्जिद। टोटल दिखा रहा है 766 किलोमीटर। दो आंख बंद गई है गाड़ी की, अलग बंद खराब हो गई है, सब सूटकेस पीछे डाल के अपनी अपनी मंजिल पे जा रहे हैं। चार भाई तो प्रोटीन खा ही रहे हैं और ऑमलेट फ्रूट बनाया। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग मेरी आउटफिट देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। जो नहीं देखे समझ पा रहा है तो मैं उनको बता दूँ, मैं हूँ अभी मोटो जी बाइक के ट्रैक पे हूँ। मैं खास करके इसी के लिए रुका था यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे राइड कर सकूँ, और मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। तो अपनी टीम आ चुकी है यहाँ पे, एक राइडर इधर है, एक राइडर इधर है, और बाकी सब राइडर इधर है। अपनी थार भी यहाँ पे है, ये चांद राइडर, ये देखो चांद की बाइक, चांद इस पे राइड करने वाला है। काफी मजा आने वाला है। मैं मेरी गाड़ी को कहाँ लेके आ गया मैं भी नहीं जानता, तो बस चलो चलो चलो। बाइक कौन सी है मेरी? चलो ठीक है, तो अपनी बाइक ये है। बहुत फास्ट बाइक है भाई, हाँ तो चलेगा। क्या है मेरा हेलमेट? मैं रेडी हो रहा हूँ रेस के लिए। क्या बात है, लाइफ में पहली बार चलाने जा रहा हूँ। मालूम नहीं कैसा चलाऊंगा मैं। आउटफिट कैसा लग रहा मेरा ये बताओ पहले। सही भाई, एकदम। लेट्स गो गाइस, चलो आ जाओ। एक शख्स से ये देखिए आप, ये शख्स बहुत दूर से आया है, मुंबई से आए हमारे भाई राइड करने सिर्फ। ये शादान भाई की गाड़ी जा रही है सनाना पीरी टररा। तमोश भाई गाड़ी चला ले, शादान भाई बहुत तेज आगे निकल गए, तो अभी हम उनको ढूंढने जा रहे हैं। काफी मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रही है चलाने में। बस थोड़ा सा डर है कि गिरूं नहीं, क्योंकि गिरूंगा तो लगेगा यार, पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। सो अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग राइड, लेट्स गो। तो अपना भाई जा रहा है अभी रेस खेलने, रेडी हो गया है फुल मेरा भाई। चलो ब्रो लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। बहुत मजा आया चलाने में, काफी अच्छा भी हो यार। और अगर ये ट्रैक गीला होता ना तो और मजा आता चलाने में मुझे, बट थोड़ा बहुत डर लग रहा है चलाने में। बट कोई नहीं, गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, यहाँ से हम लोग पूरा राउंड मार के हम लोग वापस से वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे सब, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, थार और बाकी लोग भी वहाँ पे। तो लेट्स गो चलते हैं। हमारी गाड़ी में व्हाट्सअप मजा आ गए। कैसे लगा? बहुत ज्यादा मजा आई है, अभी एक्सपीरियंस में आप लोग को शेयर करूंगा। तो काफी रात हो चुकी है, हम लोग ट्रैक पूरा कर लिया और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे साथ तीन चार राइडर थे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ राइड करने में। कैसा था भाई? एक नंबर चलाया कैसा? मैं बहुत प्यारी चलाई थी गाड़ी आपने। अच्छा ये जाओ यार तुम, भाई कैसा था? फर्स्ट टाइम के हिसाब से शादान भाई ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, खूब आगे भी आते रहो और चलाते। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा जब इस बार बारिश होगी ना, तब आऊंगा। भाई कैसा था मेरा राइड? बहुत अच्छा था। अच्छा था ना फर्स्ट टाइम के हिसाब से? हाँ भाई फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी चलाई आपने, और आते रहिए। चल
इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बहुत मजा आया भाई आप लोग के साथ मुझे गाड़ी चला गया। चलो भाई, आपको पता भी नहीं चला कि आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो भाई, एसी चला रहे थे भाई। क्या बात कर रहे हैं, 50 रुपए कट हुआ है। हम लोग निकलते हैं यहाँ से, मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे आएगी, काफी अच्छी शूट हुआ है और ये ब्लॉग तो आप लोग देख ही लोगे। अभी यहाँ से निकलते, रात हो चुकी, मतलब हम लोग ट्रैक पे आए गाड़ी लेके मेरी, यहाँ से निकलते हैं। लोग आ गए राइड करके घर पे, काफी मजा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आई है। भाई लोग भी साथ में थे, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आई। तो अभी जा रहे, भूख लग रही है कुछ खाने के लिए, अल्तमस की मम्मी कुछ बनाए हैं, चिकन है, आइडिया नहीं, बट चलते, भूख लग रही है क्योंकि हम लोग सो के उठ के फटफट निकल गए थे। हम लोग आए थे तो बहुत थके हुए थे, बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो डायरेक्ट आगे सो गया, सो के उठे फटफट फ्रेश हुए हम लोग डायरेक्ट ट्रैक पे। मैं सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करूंगा तो इसके लिए मैंने ट्रैक पे डायरेक्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था। अभी जाता हूँ फटफट फ्रेश होता हूँ और कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ क्योंकि गंदा भी हो गया काफी, अब फेस पे बहुत ज्यादा मट्टी आ गई है, देख रहे पूरा काला हो गया, तो धो के निकलते हैं अभी खाना खाने के लिए। हम लोग आ गए थे अल्तमस के घर पे खाना खाने, ग्रेवी बनी है चिकन की और रोटी है और बिरयानी है, और अपने साथ वाले पार्टनर सब, एक दो अल्तमस चांद और अल्तमस का भाई हारिस और ये मैं शदान फारूकी, और हम लोग खा लेते, बहुत जोर की भूख लगी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो खाना ना खा के निकल गए अल्तमस के घर से और जैकेट विकेट पहन लिया मैं क्योंकि भोपाल में बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है मुझे, और मैं कुछ भी कपड़े लेके नहीं निकला था। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे भोपाल, थोड़ा घूमूंगा अल्तमस भोपाल। चलो, भोपाल की पब्लिक अगर ब्लॉग देख रही है तो कमेंट करके बताना कि मैं कौन कौन सी चीज दिखा रहा हूँ, ये कौन सी जगह पे है, आप लोग अगर जानते हो तो जरूर कमेंट करना। चलते हैं, अपनी धनों को निकालते हैं। हम लोग आए हैं घूमने पोर्ट लेक और हम लोग के सामने दरगाह है। अभी मुझे अल्तमस बताया कि यहाँ पे ना लेक के बीच में, पानी के बीच में ना दरगाह है। देखो ये बोट से जाते हैं, बोट देखो यहाँ पे कितनी सारी बोट है, अभी बोटिंग करते हुए जाते, बोट क्लब है। कुछ लोग लेक व्यू भी बोलते हैं, कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग है, मैं तो समुंदर बोला। मैं आते साथ में बोला कि यार कितना बड़ा समुंदर है, अरे यार इसका किनारा नहीं दिखता। हाँ, इसका किनारा नहीं दिखता, ये काफी बड़ा है। अरे अभी मैं ना इससे पहले जो छोटी सी क्लिप लिया था ना, तो मैं अपोजिट रोड पे था, वो सिटी में था। अपन रुके नहीं थे ना, नहीं वहाँ रुके नहीं थे, और यहाँ पे ना एक नाम लिखा हुआ था, वेलकम टू सिटी, वेलकम टू दी सिटी ऑफ पहले। हाँ, चांद जो नहीं बोल पाता ना, कोई बोल देता ना वही जो बोले। और समझ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस मैटर ये नहीं होता कि क्या बोला क्या चाय है ना, बस चाय लाओ ना भाई, अब पिलाया भाई, चाय पिलाओ यार, चाय पीते घूम के आ गए हम लोग। मैं सूटकेस निकाल लिया मेरी गाड़ी से क्योंकि मेरी गाड़ी कन्वर्टेबल है ना, तो रात में गाड़ी में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आज मैं भोपाल में रुक रहा हूँ और मैं कुछ सुबह शूट करूँगा, शूट करने के बाद कल दिन में निकलेंगे हम मुंबई के लिए। तो अभी चलते हैं, सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठना, बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। 2 घंटे की नींद लेके हम लोग गए मोटो जीपी बाइक राइड करने, अभी चलते हैं ऊपर। सो गाइस, अभी के लिए गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और अभी बज रहे हैं 4-5 घंटे की नींद ले लेता हूँ ताकि मैं सुबह फ्रेश रहूँ और शूट कर सकूँ। तो मिलता हूँ मॉर्निंग में। हाय दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पे शूट के लिए। जो मैं आप लोग को बोला था कि मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में एक वीडियो शूट करना था क्योंकि मैं यूपी में नहीं कर पाया, तो अभी निकलते हैं हम लोग। और ऊपर से नीचे तक का फुल व्हाइट बैलो सुल्तान रिजा टाइप दिख रहा हूँ। लेट्स गो, थोड़ा ड्राइव करने वाला है अल्तमस। अल्तमस को लोकेशन मालूम है अपने को कहाँ जाने का है। चश्मा में पहन लेते, मेरा फेवरेट। लेट्स गो, अभी कमेंट करके बताओ कैसा दिख रहा हूँ व्हाइट में। रात में ज्यादा घूम नहीं पाए सिटी अपने, वैसे तो दिन में क्या है देखते हैं आज। गाड़ी काफी गंदी है, 40-40 किया गया है, और ये रही अपनी डेड बाइक। काफी सुबह उठे हम लोग, क्राउड नहीं, अभी रोड पे खाली है। हम लोग आ गए हैं मार्केट के अंदर, ओल्ड विंटेज साइट मुझे शूट करना था, तो इधर पे लोकेशन काफी अच्छी है, ओल्ड मतलब आप लोग देख रहे हो, देखो अपना कुलाबा दिख रहा है टाउन साइड का। तो अभी हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगी जब शूट हो जाएगा। तो कला चांद हम लोग आ गए हैं अभी ताजुल मसाजिद, जो कि बोलते हैं कि ये भोपाल में मतलब एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली मस्जिद है। अभी तो और भी जगह बन चुकी है शायद से, बट आइडिया नहीं, बट यहाँ पे बोलते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये भोपाल में। काफी खूबसूरत है यार,
मैं थोड़ा बहुत आप लोग को शूट करके दिखाता हूँ। काफी बड़ी है, मैंने एक्सप्लोर किया पूरा, और यहाँ पे बहुत क्लासेस है, मदरसा है, और यहाँ पे पढ़ाई भी हिफ्ज हो, तालीम हो, मतलब मौलाना जितनी भी पढ़ाई है दीन से रिलेटेड सब होती है। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ये दरवाजे लगे हुए सब क्लासेस है, सब क्लास है, सब में पढ़ाई हो रही है। देखो बच्चे लोग बैठे हुए, और ये है फ्रंट व्यू मस्जिद का, काफी खूबसूरत है और काफी बड़ी है यार, बहुत बड़ी है। मतलब मुझे तो बाहर से देख के लग रहा था कि छोटी है, बट अंदर आने के बाद काफी बड़ी दिख रही है। इसका मेन गेट, ये एंट्रेंस देखो, ये कितना बड़ा है, इसके मीनार तीनों कितने बड़े हैं, खूबसूरत। और ये पिलर भी देख रहे हो उसका, मीनार पतला वाला जो साइड में होते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत, फुल रेड है। हाँ, वो भी ये बड़े बड़े पत्थर से बने हुए, वो जो ताजमहल लाल किला दिखाया था ना आप लोग को मेरे पहले वाले ब्लॉग में, तो ये उससे बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थरों से। मैं बचपन में ये देखा हूँ मक्खी का छत्ता, और आज देख रहा हूँ, कितना टाइम हो गया पता है मुझे, 15 से 20 साल हो गया। बचपन में तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि मतलब इसका शहद इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे मिलेगा ना तो मैं जरूर लूंगा, मिलता का यार ओरिजिनल जल्दी, जब तक सामने कोई निकाल के दे ना, क्योंकि आज के टाइम में भरोसा नहीं कर सकते किसी पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और आप तो मस्जिद देख लिए, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि भोपाल में है। तो मैं भोपाल में रुका था एक दो दिन के लिए, तो मैं सोचा कि थोड़ा भोपाल भी एक्सप्लोर करूं और दिखाऊं जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, कि ऐसी ऐसी मस्जिद भी है। और हम लोग ट्राई करेंगे जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है वहाँ पे भी जाने के लिए, वो भी भोपाल में ही है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि जब से निकले सुबह से कुछ खाए नहीं है। और कल जब मैं आया था तो गया था एक बिरयानी खाने, चिकन बिरयानी जो कि, तो अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे खाने। लेट्स गो। हम लोग जो बिरयानी खाने आए थे वो बिरयानी की स्टॉप बंद है, क्योंकि उनके फूफा का इंतकाल हो गया है। तो अभी जस्ट मालूम पड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत में बिरयानी नहीं है। कल भी मैं पहुंचा तो देखा तो खत्म हो गया था गुदा, और आज मैं सुबह से मतलब वेट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाऊँ वो शॉप पे और खाऊं। ये खास करके गुदे के लिए मतलब मैं इतना वेट किया, बट यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि ये शॉप बंद है, और कहीं पे भी नहीं मिलती है। मतलब बोल रहे मिलती भी तो सुबह मिलती है कुछ 5 बजे 6 बजे 7 बजे मॉर्निंग में मिलती है, क्योंकि सुबह सुबह उसको खाने का मतलब अलग ही एलर्जी, अलग ही खानी चाहिए, गर्म होती है। हाँ, ठंडी में खाना चाहिए जिससे बॉडी हीट गर्माहट पैदा करती है बॉडी में। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग को नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कुछ खाएंगे। देखो ये बाइक से निकले हैं बिरयानी की शॉप ढूंढने, गोदे वाली। नॉर्मल बिरयानी सब जगह मिल जाएगी, बट गोदे सब जगह मिल जाएगी, गोदे वाली नहीं मिलेगी। इसी की बात कर रहा था क्या, बहुत टेस्टी होती है। चलो खा लेते हैं। हाँ, नहीं है, नहीं है। खाली बिरयानी है, खाली। क्या करते, खा लेते क्या? बिरयानी गोदा नहीं है, बिरयानी। अपन में तो है गोदा, मगर बिरयानी वाले के पास गोदा नहीं है। तुम्हारे अंदर भी नहीं है, तुमको बहुत जरूरत है। और कुछ अच्छा मिलेगा टेस्टी, मतलब बिरयानी के अलावा? बिरयानी सही है भाई। हाँ तो चलो खा लेते हैं, हेल्दी रहेगा ना। गूदा नहीं मिला, गूदा तो क्या करेंगे अभी, छोड़ो जाने दो, अब घर पे जाके वहाँ पे खाएंगे गूदा वाला आइटम। सो ये है मटन पुलाव, मटन बिरयानी। हाँ तो भोपाल में इसको बिरयानी बोलते हैं, मुंबई में इसको पुलाव बोलते हैं, मटन पुलाव। गूदा तो मिला नहीं, बिरयानी से काम चलाएंगे हम लोग, अभी खा लेते हैं जल्दी से। तो अभी हम लोग खड़े हैं एशिया की सबसे छोटी मस्जिद और भोपाल की सबसे पहली मस्जिद। दिखने में बड़ी है, बट मैं आप लोग को दिखा के बता दे, ये जो मीनार है ना, ये मीनार की मतलब इतने साइज में जो नीचे बिल्डिंग है बस उसमें सब बनती थी, और उसके अलावा ये सब बाद में बना है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। वो जो गुंबद दिख रहा है ना, बस पहले वो था सिर्फ। भोपाल में जब बनाए थे ना पहली मस्जिद, तो पहले ये भोपाल की पहली मस्जिद है, और बोलते हैं एशिया की सबसे छोटी मस्जिद। तो अंदर नहीं जा रहे हम लोग, यहाँ पे देखो पोस्टर भी लगा के रखे, भोपाल की पहली मस्जिद वक्त वक्त की नमाज जमात से अदा की जाती है। हम लोग निकलते हैं यहाँ से, चलो आज चलते हैं अंदर, दिखाई देते हैं। देखो ये जो साइज है ना, बस इतना बड़ा बना था जब स्टार्टिंग में बना था ना भोपाल में पहली मस्जिद, तो इतना बड़ा। स्टार्टिंग में सिर्फ इसलिए थी कि यहाँ से पहरेदार जो होते थे पहरेदारी करते थे, इस पे से उनको नमाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, फिर पहरेदारी छूट जाती थी। हाँ। तो यहाँ पे वो लोग अपनी खुद की 4 लोगों की 5 लोगों की जमात बना के नमाज पढ़ते थे। उस टाइम इसमें 2.5 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, इसलिए इसको 2.5 सीढ़ी बोलते हैं, और इतनी कम जमात में ही वो जमात में नमाज पढ़ लेते थे जंग के टाइम पे जब इस वो टाइम पे जब पहरा देते थे वो। तो एक्सप्लेन कर दिया अल्तमस, मुझे नहीं इतना मालूम था ये यहाँ पे रहता है, तो ये बता दिया। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। हम लोग
सब वापस आ गए शूट करके, खा पी के एकदम मस्त। अभी बज रहे 12, तो थोड़ा और रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मुंबई के लिए। भोपाल से निकलने का टाइम आ चुका है, बैग वग लेके निकल गए हैं हम लोग। ये रही अपनी थार, इसको वॉश नहीं करा है, अब जाके मुंबई में वॉश कराएंगे, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। भोपाल से भी अपन निकल रहे, बहुत मजा आई और बहुत सुकून मिला भाई, एक नंबर। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग 2-3 दिन के लिए आएंगे, अभी तो रास्ते में जा रहे थे तो अपन खाली ऐसे स्टे कर लिए थे अल्तमस भाई के साथ, बहुत मजा आ गई। अभी बैग रखने जा रहे, चाबी नहीं है गाड़ी की, ये है इसके पास है। चलो गाइस निकलते अभी यहाँ से, पहले सामान लोड कर देते गाड़ी का, संभाल के डालना, आराम से, टेंशन नहीं। मैं सबको बोलते हैं अलविदा, चलो अल्तमस, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो सबका, चलो आज भाई, चलो भाई, चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, निकलते हैं भोपाल से। तो अभी निकलते हैं मुंबई के लिए, अब डायरेक्ट मुंबई के लिए दिखा रहे हैं, 15 घंटे दिखा रहे हैं, टोटल दिखा रहा है 766 किलोमीटर। अब देखते हैं कि हम लोग कितने टाइम में पहुंचते हैं, हम लोग को दिखा रहा है सुबह 9:40 तक हम लोग टच हो जाएंगे मुंबई। तो ये रहा अपना गूगल मैप जो हमको लेके जा रहा है नासिक, कल्याण, भिवंडी होते हुए डायरेक्ट मुंबई। चलो देखते हैं कि हम लोग रास्ता कितनी जल्दी कवर करते हैं। हम लोग रुक गए हैं एक ढाबे पे चाय पीने के लिए, बहुत टाइम हो गया था चाय पिए नहीं थे। हम लोग 300 किलोमीटर खींच लिए गाड़ी, हम लोग 6-7 घंटा ट्रेवल कर लिए, चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद चांद चलाएगा गाड़ी। 7 घंटा मेरा भाई गाड़ी चलाया यार, बहुत बड़ी बात है यार, मैं देख रहा हूँ कब से कि अब बोलेगा, लेकिन बहुत कैपेसिटी है मेरे भाई गाड़ी चलाने में, मान गया भाई। और ये पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं राजा लोग, सोचते आते रहते राजा लोग, ऐसी होते हैं जिसको गाड़ी नहीं चलाने आती ना वो ऐसी बोलते हैं, उसका फायदा है वो, राजा लोग ऐसी होते हैं, कम्बल उम्बल ओढ़ के सो रहा है, गाड़ी लेटा हुआ है, सही है, मेरा ही फायदा है भाई। अभी जब चांद गाड़ी चलाएगा तो यासिर आगे बैठेगा और मैं पीछे वाली सीट पे जाके थोड़ा रिलैक्स करूंगा। चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग वापस से आ गए थे पेट्रोल पंप पे डीजल डलाने के लिए, 109 ठीक है, जितना जा रहा है बस उतना डाल दो। तो अभी 3000 का ही गया और इसकी गाड़ी की हालत देखने लायक नहीं, इतनी गंदी है क्या बताऊं, जितने पर से ये पट्टा है उतने पर से देखो कितने क्लीन है, और उसके बाद देख रहे पूरी गाड़ी का मिरर देखो, एक आंख दो आंख बन गई है गाड़ी की, हालत बहुत खराब हो गई है। 12:30 बजे रात के, मैं एक नींद मार लिया, मैं अभी पे करके निकलते हैं। चलो ऐसा ट्रेवल कर रहे हैं, सबको शुगर रखो, मैं ठंडी, और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, हाय गाइस, हाय, सब सूटकेस पीछे डाल के अपने अपनी मंजिल पे जा रहे हैं, कोई कार बन गया है, कोई क्या बन गया है। ये उन लोग के लिए है जो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, ये है नहीं है वो नहीं है, देखो जी जो चीज अल्लाह जिसके पास रहे उसको शुक्र करना चाहिए, देखो कितना हंसी खुशी जा रहे हैं मेरे। अभी जैसे तेरे पास थार है तेरे को शुक्र है, सब कमाए, सब आगे बढ़े भाई, इतनी तो दुआ यही है। अमीर अमीर, चलो अभी निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इधर, तो पहुंच के क्रॉस भी कर दिया हम लोग, पहाड़ी इलाका भी क्रॉस कर दिए हैं, हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है, ब्रेकफास्ट पे कुछ तो चाहिए यार हेल्दी और अच्छा, बॉडी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, अपने चांद भाई तो प्रोटीन खा ही रहे हैं। बोला चाहोगे अपना भाई है, सिंपल चीज खा रहे, चांद सुबह सुबह प्रोटीन खा रहे और मुझे प्रोटीन ढूंढना पड़ रहा है। जल्दी से घर पहुंच जाते हैं, पहले तो कुछ खा लेते हैं, घर पहुंचने में अभी भी 2 घंटा लगेगा और बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो तो काफी शानदार है, काफी खूबसूरत है, काफी दूर तो फूल है। ये रहे अपने सूरज भाई, फाइनली मिल गया अपने को 5 एग का ऑमलेट, और रोटी तो है नहीं तो मुझे पाव से काम चलाना पड़ेगा, और ऑमलेट मैं खुद बनाया, फोड़ के मैं खुद दिया हूँ। भाई बोल रहे थे कि मैं येलो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं बोला कि मैं करके देता हूँ। ये अपना ऑमलेट और पाव, इतना खा लेते, इतना खा के घर पहुंचते, घर पे जाके फिर से डाइट चालू, वर्कआउट चालू, सब पहले जाके सोऊंगा, पहले बॉडी को रिलैक्स दूंगा, बहुत ज्यादा थकी हुई है बॉडी मेरी। तो हम लोग पहुंच गए धरावी और यहाँ पे वो ड्रॉप करेंगे चांद को, चांद जाएगा अपने घर। हम लोग पहुंच गए धरावी मुंबई, कैसा लगा सफर? बहुत मजा आई भाई, तुम्हारे को मेरे साथ मैं गाड़ी चलाए कैसा लगा? अच्छी चलाए, अच्छी चलाए, जब वहाँ से निकले थे यूपी से डर लग रही थी एक बार। अरे भाई रोक रोक रोक, कहाँ चला रहे हैं? जी सो रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 110-120 की स्पीड में था और ये सो रहा है, सो रहा है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, और मैं डर गया, चालक चालक क्या हो गया इसको, मुझे नहीं हवे में चढ़ रही थी गाड़ी, मैं बोला भाई फोक है वो, हवे में नहीं जमीन। मैं इसको फर्स्ट टाइम गाड़ी दिया था, मुझे यकीन नहीं था कि इतनी अच्छी ड्राइविंग करेगा, मगर अच्छी किया। तो अभी इसको ड्रॉप करते, ड्रॉप करके निकलते अपने घर। चलो अल्लाह हाफिज़, कल मिलो, जय
जाओ और दो फटफट और दे के सो जाऊंगा भाई। फाइनली पहुंच गया मैं मुंबई मेरे घर। ये रहा अपना टावर और ये रही अपनी धन्नो और ये रहा अपना सामान। जा रहे हैं हम लोग ऊपर, थोड़ा सा देखेंगे अगर, क्योंकि नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है, फ्रेश भी होने का। और गाड़ी की हालत तो देखो यार, जितने पर से ये है उतने पर से साफ है, बाकी पूरी गंदी है। थोड़ा छत गंदा है, थोड़ा ये गंदा है। अब इसको वॉश कराएंगे, पहले चलते घर पे, घर पे सब सामान वामान रखते हैं, उसके बाद वॉश कराएंगे। फाइनली माय होम, लेट्स गो। तो हमारा दोस्त कहाँ पाए? दोस्त वो अपना समझ दिया था यार, भोपाल का फेमस दोस्त है, ज्यादा फेमस है। तो एक पैस का पोटली है और एक मेरा पोटली, ये जो डाउन तो गया था मगर वापस ऊपर आएगा, ये मुझे लेके ही जाएगा। लेट्स गो चलते हैं ऊपर। तो फाइनली अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सो फाइनली मैं आ गया हूँ मेरे घर पे और ये रहा मेरे घर से व्यू। सामने स्विमिंग पूल है, चलते हैं पहले स्विमिंग पूल में नहाते हैं, नहाने के बाद फिर आएंगे, मस्त सुकून वाली नींद लेंगे। और ये ब्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ख्याल रखो।